हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज के दिन हम 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसका समापन समारोह मनाने वाले हैं। आज हम चैप्टर करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके अंदर से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस आप इसके अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उन्हीं में से या उन्हीं जैसा कोई क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा और बहुत ही आसान भी लगेगा, राइट। तो इसका जो कंसेप्ट मैप है, बहुत ज्यादा चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम लगे। तो एक एक चीज को अपन ध्यान से देखेंगे, राइट। सबसे पहले तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक ऐसी करंट होती है जो कि अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करती है। और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमेशा किस तरीके से लिखी जाएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन और कोसाइन, दोनों पीरियोडिक फंक्शन यूज कर सकते हो, टाइम्स ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। तो इसकी जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन से मैच कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से मैच कर रही है। इसके अंदर आई नोट जो है वो पीक वैल्यू कहलाती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ओमेगा अपॉन टू पाई, टाइम पीरियड निकाल सकते हो टू पाई अपॉन ओमेगा। इनिशियल फेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, राइट। तो फेज हमारे यहां पर काम आएगा कि हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखना चाहेंगे कि करंट कितना आगे या पीछे चल रही है। फेज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, बट यहां पे भी बताऊंगा सेम परस्पेक्टिव, मजा आएगा आपको, राइट। आरएमएस वैल्यू जो है, अब ये आरएमएस वैल्यू क्यों निकाली जाती है, क्योंकि हमारी जो करंट है वो पॉजिटिव भी है और कभी कभी नेगेटिव भी है। डायरेक्ट एवरेज लोगे तो आप देखोगे जीरो निकल के आएगा। तो एवरेज लेने का बेटर तरीका ऐसे केसेस में क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसमें हम हमारी क्वांटिटी का सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। रूट मीन स्क्वायर को अपन पढ़ते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वांटिटी को स्क्वायर कर दो तो पॉजिटिव नेगेटिव होने का झंझट खत्म, राइट। फिर मीन ले लो और फिर वापस से क्या ले लो, रूट ले लो। तो एक बेटर एवरेज लेने का तरीका है। तो इसमें आरएमएस वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो I नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू निकल के आएगी। कहां से आया देखने वाले हैं अभी अपन आगे, राइट। ऐसे ही एक और फॉर्म में आपको दी जा सकती है, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। हम पहले भी दो बार इसको सिंपल I टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना देख चुके हैं। हमने देखा था कि फिर जो I आएगा, राइट, जो नया कन्वर्जन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो पीक वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। और आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू को आप रूट टू से डिवाइड कर दो तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो ये दो केसेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बट इन जनरल आपको कैसी भी करंट दी जाए, कैसी भी इक्वेशन दी जाए, कैसी भी क्वांटिटी दी जाए, आप आरएमएस वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो, क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो एक पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए और पूरे के पूरे टाइम पीरियड से इसको डिवाइड कर दो। तो हमने सबसे पहले क्वांटिटी का स्क्वायर किया, फिर ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड किया मतलब मीन लिया, और फिर ओवरऑल अंडर रूट ले लिया तो फिर रूट ले लिया। तो इसलिए इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हो सकता है इस इंटीग्रेशन के लेवल पर आपको नीट के अंदर कभी भी जाना नहीं पड़े, बट इस चैप्टर के अंदर हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हल्के फुल्के क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाए, बट वहां पर भी मैं आपकी मदद करने वाला हूं। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, आप क्वांटिटी लो, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो जीरो से लेकर टी तक, और टोटल टाइम पीरियड टी से डिवाइड कर दो। अपन पहले भी देख चुके हैं ये फॉर्मुलाज, राइट। इसके अंदर अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके बहुत काम आएगा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक साइकिल के लिए हमेशा कितना होता है, कैपिटल टी बाय टू होता है। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपको इंटीग्रेशन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपन क्वेश्चंस करेंगे तब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से डील करेंगे, बट दिस मच इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, राइट, आपके पास होनी चाहिए इतनी इंफॉर्मेशन। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है भाई, नॉर्मल डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के लिए तो हम रेजिस्टेंस का बिहेवियर देख चुके हैं, कैपेसिटेंस का बिहेवियर देख चुके हैं। मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर जो होता है वो एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। ब्रोकन ही तो होता है, दो प्लेट्स होती है उनके बीच में तो कुछ नहीं है, गायब सारी की सारी चीजें। तो नॉर्मली कैपेसिटर जो है वो एक डीसी सोर्स के लिए ब्रोकन वायर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है उसकी तरह बिहेव करता है।
और रही बात इंडक्टर की, तो इंडक्टर में अपन कंडक्टिंग वायर लेते हैं, फिर उसी को लपेट देते हैं अपन, सोलेनोइड बनाते हैं ना, ये तो कंडक्टर होता है, और फिर वापस से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टेडी स्टेट के अंदर डीसी सोर्स के लिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा भी था, एक इंडक्टर नॉर्मल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता हो, यानी कि एक ऐसी डिवाइस की तरह जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो हो। डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ब्रोकन वायर, और डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस यानी कि कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है डीसी सोर्स के लिए। बट एसी सोर्स के लिए इनका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही अलग हो जाएगा। हम पूरी की पूरी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बट जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो LCR सीरीज सर्किट है इसका पूरा का पूरा जो एनालिसिस है उसकी डेरिवेशन को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार डेरिवेशन जो है डायरेक्ट पूछ ली जाती है। हमें क्या क्या ध्यान रखना है नीट के लिए, और अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती और न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर बोर्ड के अंदर, तो वो हो सकता है यहीं से अपीयर हो जाए, तो ध्यान से सीखना है सबको, राइट। LCR सर्किट है, इसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। कैसे पता चला अल्टरनेटिंग सोर्स है? एक तो इसका सिंबल अलग होता है, एक इसकी वैल्यू लिखी हुई है वी नॉट साइन ओमेगा टी, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैसा सोर्स हो गया, अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, राइट। अब अल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर इसका इसका और इसका बिहेवियर अलग होगा, ये भी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, बट उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी प्रोवाइड करवाएगा, उसको अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये तो हमारा जाना पहचाना रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज, ठीक है, आपके इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, ये जो वी एल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा करंट, देखो मैंने करंट को रेफरेंस लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमारी तीनों डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तीनों में सेम होगी, तो करंट को रेफरेंस लेके अपन बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात है किसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, तो इंडक्टर के ऊपर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है VL, वो करंट से हमेशा पाई बाय टू आगे होगा, इट विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ करंट बाय अ फेज डिफरेंस पाई बाय टू। आगे होने का मतलब अभी जस्ट थोड़ी सी देर बाद में आपको मैं बताने वाला हूं, बट इसको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है। ऐसे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पाई बाय टू फेज डिफरेंस से पीछे चलेगा करंट से, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट के साथ इन फेज होगा, मतलब जैसे जैसे करंट मैक्सिमम की तरफ जाएगी तो ये वोल्टेज भी मैक्सिमम, जैसे जैसे वो जीरो की तरफ आएगी ये भी जीरो। अब फेज डिफरेंस और ये पूरा का पूरा जो कच्चा चिट्ठा हमने यहाँ पर खोला है तीनों डिवाइसेस का, उसको हम एक फेजर डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फेज डिफरेंस को एक बार वापस से रिविजिट कर सकते हैं। देखो हर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक वेक्टर के तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, राइट। उसमें आप क्या करते हो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी उठाते हो और सिंपली उसको एक वेक्टर यानी कि एरो से रिप्रेजेंट कर देते हो, रेफरेंस लाइन से जो एंगल लेते हो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, फेज एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, रेफरेंस लाइन किसको बनाया है, हमने करंट को, ठीक है। अब ये जितने भी हम फेजर्स बनाएंगे, हम ऐसा मानते हैं कि ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो अब आपको आगे और पीछे होने का मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी अभी बताया था कि VL जो होता है वो करंट से कितना आगे होता है, पाई बाय टू एंगल आगे होता है। तो ये जो करंट का फेजर है ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये जो VL वाला फेजर है ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों की रेस में आगे कौन चल रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली VL आगे चल रहा है। कितने एंगल से आगे चल रहा है, आप बोलोगे सर पाई बाय टू एंगल से आगे चल रहा है। ये है फेज का मतलब, और इस तरीके से विजुअलाइज कर लोगे तो आप हर जगह इसको इसी तरीके से देख सकते हो। मैंने पहले भी इसको समझाने की कोशिश करी है, दोबारा से एक बार इसको सीख लो। तो करंट के फेजर से VL का जो फेजर है वो हमें कितना एंगल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पाई बाय टू। करंट के फेजर से VC का जो फेजर, ये सब क्या घूम रहे हैं, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो करंट से VC जो है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहा है, कितने एंगल से, पाई बाय टू से। हमने एक बार के लिए मान लिया कि VL की वैल्यू ज्यादा है, VC की वैल्यू कम है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC। और जो VR है वो करंट के साथ साथ फेज में चल रहा है, एक ही दोनों डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो टोटल रिजल्टेंट आएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर और दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आपका नेट अप्लाइड वोल्टेज हो गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, उसकी पीक वैल्यू हो गई, या उसकी RMS वैल्यू हो गई, कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पे, राइट।
तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आपको VL दे दिया जाता है, VC दे दिया जाता है, VR दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा या सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। लोग नॉर्मली ऐड कर देते हैं तीनों को, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे खेल जो है वो वेक्टर्स वाला चल रहा है, वो फेजर वाला चल रहा है, क्योंकि क्वांटिटीज कैसी है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है। इसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का जो ओवरऑल फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये फाइ एंगल मान लेते हैं तो टेन फाइ किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल, यानी कि VL माइनस VC और VR के रेशियो के इक्वल। ठीक है, VL को आप लिख सकते हो I इंटू XL, I सबके लिए सेम है, VC को आप लिख सकते हो I इंटू XC, और VR को आप लिख सकते हो I इंटू R, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, एक और फॉर्मूला आ गया। XL, XC और R ये क्या है, XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R जो है वो तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है। तो इनका फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है, ओमेगा टाइम्स L या 2πf टाइम्स L, और XC किसके इक्वल होती है, 1/ω टाइम्स C, यानी कि 1/2πf टाइम्स C के इक्वल होती है। ध्यान दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, एक सॉरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, एक फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छे से समझो इस कहानी को, वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, सारे के सारे पॉइंट। और ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला क्वांटिटी है उसको कहा जाता है इम्पिडेंस, राइट। तो वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जैसे इस पूरे के पूरे डायग्राम को हमने वोल्टेजेस की टर्म में बनाया, वैसे आप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और इम्पिडेंस की टर्म में भी बना सकते हो। इधर रेजिस्टेंस आ जाएगा, इधर इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी, इधर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी, दोनों का जो सम आएगा वो फिर टोटल रिजल्टेंट जो आएगा वो इम्पिडेंस के इक्वल हो जाएगा। तो आपको तो खैर डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज ध्यान रखते हैं। मैं वैसे भी सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है उनको रिड्यूस करके, जो बिल्कुल फिल्टर करके फाइनल जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना, उनको यहां पर लिखता हूं, उनके बेसिस पे आप सारी की सारी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, खैर, तो जेड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ग्राफ, तो ये जो अपनों ने पढ़ा है इसको कई बार ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्सएल और एफ के बीच का ग्राफ होगा, मैंने अभी अभी बताया था एक्सएल जो है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ग्राफ वाले वीडियो में देखा था, स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सी जो है वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सबको पता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी घटता चला जाएगा। Z, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। Z में देखो ये जो R है ना, इसको तो आप छेड़ ही नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी के वर्सेस ग्राफ बना रहे हो ना, तो फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब XL और XC को देखते हैं। तो जब मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जीरो है, DC कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर XL जीरो हो जाएगा और XC इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब XL तो बैठा है यहां पर, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं अपना हाथ, ठीक है ना, और XC बैठा है यहां पर, एक जीरो पर है और एक इनफाइनाइट पर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम तो डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं ना, यानी कि जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। फिर जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल तो इंक्रीज होगा और एक्ससी जो है डिक्रीज होगा, तो जो नीचे था वो ऊपर आ रहा है, जो ऊपर था वो नीचे आ रहा है, यानी कि दोनों का जो गैप है वो डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है जेड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होती चली जानी चाहिए, होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जहां पर XL और XC दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा जीरो, यानी कि Z केवल और केवल किसके इक्वल रह जाएगा, R के इक्वल। तो यहां पर Z केवल और केवल किसके इक्वल रह गया, R के इक्वल हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये चमत्कार होता हुआ दिखाई दिया, इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं अपन इसको। क्यों? क्योंकि इसके बाद में फिर आप देखोगे कि XL और XC एक दूसरे के लेवल पर आ चुके हैं। अब आप और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL ऊपर जाने लग जाएगा, जो गरीब था वो अमीर हो रहा है आपकी बार, और जो XC है वो नीचे जाने लग गया, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो वापस से इंक्रीज होने लग गया, और डिफरेंस इंक्रीज होने लग गया तो Z वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा, और इंक्रीज होते 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 ये फिर से इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो हमने देखा कि यार एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वहां पर जेड जो है वो मिनिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस के इक्वल रह जाता है, एक्सएल और एक्सी आपस की लड़ाई के अंदर खत्म हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को अपन कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन ऑफ सर्किट को कहते हैं अपन रेजोनेंस कंडीशन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जेड जो है ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यूं कह लो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड के। तो जहां पर इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होगी वहां पर करंट जीरो हो जाएगा, और जहां पर इम्पिडेंस बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, वहां पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जस्ट इस ग्राफ का उल्टा ग्राफ जो है वो आपको किसके लिए मिलेगा, करंट के लिए मिलेगा। यानी कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर जेड जहां मिनिमम हो जाता है वहां पर करंट जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। करंट स्टिल ऑल्टरनेटिंग है, अपन करंट के मैक्सिमम होने की बात नहीं कर रहे हो, तो चेंज हो रही है प्लस माइनस, उसकी जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, राइट। बाकी सारे के सारे केसेस के अंदर इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के आसपास हम दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज चूज करते हैं जहां पर करंट पीक वैल्यू पर जो करंट थी उसकी तुलना में कितनी हो जाए, 1/√2 टाइम्स हो जाए। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इन पर फिर जो पावर कंजम्पशन है वो रेजोनेटिंग कंडीशन पर जो पावर कंजम्पशन हो रहा था उसके कंपैरिजन में हाफ रह जाता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये इसलिए ली जाती है क्योंकि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालते हैं हम, जिसको बैंड गैप बोला जाता है, बैंड विड्थ बोला जाता है, और उस बैंड विड्थ का यूज किया जाता है रेजोनेंस की शार्पनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जहां पर जेड मिनिमम हो जाता है करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई आपको समझ में। तो ये इतना स्पेशल है, ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है ये इतनी स्पेशल है कि इसको अपन अलग से ट्रीट करेंगे, और इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर इनमें से किसी भी हिंट का यूज किया जा सकता है आपको ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन कहाँ, कि ये जो सर्किट है ये किस पर वर्क कर रहा है, रेजोनेटिंग कंडीशन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो आपको पहचानना है। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, जेड मिनिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि सर्किट फलाना निमका है और इसके अंदर जेड मिनिमम है, तो आप समझ जाना अपन रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से करंट आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, जेड केवल और केवल आर के इक्वल रह जाएगा, एक्सएल एक्सी के इक्वल रह जाएगा, वी एल वी सी के इक्वल हो जाएगा, फाई जीरो के इक्वल हो जाएगा, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाएगा, पावर फैक्टर आगे आप पढ़ोगे कॉस फाई जो होता है उसी को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, तो फाई अगर जीरो हो गया तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो ओवरऑल सप्लाई आपने अप्लाई करी है वो केवल और केवल किसके ऊपर गिरती हुई दिखाई देगी आपको, रेजिस्टेंस के ऊपर गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस की लड़ाई में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसको पकड़ो, आप ये भी तो जानना चाहोगे ना कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी आखिर में डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो एक्सएल यानी कि 2πfr टाइम्स एल इज इक्वल टू xc यानी कि 1/2πrfr टाइम्स c। भाई एक तो होता था ओमेगा एल, एक होता था 1/ωc, तो fr मल्टीप्लाई करेंगे तो fr स्क्वायर जो होगा 1/4π स्क्वायर lc के इक्वल हो जाएगा, यानी कि fr की वैल्यू हो जाएगी 1/2πrootlc। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पर। अगर एफ आर दिया गया है तो 1/2πrootlc, अगर ओमेगा आर दो तो 1/√lc, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको केवल और केवल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह दिया जाता है, राइट। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर पावर जो होगी वो मैक्सिमम पावर की तुलना में हाफ हो जाएगी, XL माइनस XC जो डिफरेंस है वो केवल और केवल किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, प्लस R भी हो सकता है माइनस R भी हो सकता है, एक फ्रीक्वेंसी कम होगी एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, इर्द गिर्द देख रहे थे अपन। फाई जो है वो 45 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है टेन फाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, XL माइनस XR XC डिवाइडेड बाय R। तो जब XL माइनस XC R के इक्वल हो गया तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, और पावर फैक्टर कॉस फाई, जब फाइव 45 है तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे मेजर करी जाती है, बैंडविड्थ जो कि F2 - F1 के इक्वल होती है, अगर आप निकालोगे डेरिवेशन करोगे तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हुई नजर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी R/2πL, राइट। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपने LCR सर्किट के अंदर L और C जो लगाए हैं वो तो इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि रेजोनेंस कहां पर होगा, और जो R लगाया है वो इस बात को डिफाइन कर रहा है कि वो कितना शार्प होगा। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा आपका जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो हम जो ट्यूनिंग सर्किट बनाते हैं ना,
एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को आप चूज करके सेलेक्ट करके अपने टीवी या रेडियो के ऊपर सुनते हो देखते हो, वो ट्यूनिंग सर्किट जो है वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। हम उनके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करते हैं कि हमारा जो रेजोनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, राइट। क्वालिटी फैक्टर एक और मेजरमेंट है, और भी बेटर तरीके से मेजर करेगा कि आप बैंड विड्थ, सॉरी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी और बैंड विड्थ का जो रेशियो है उसको अपन क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और क्वालिटी फैक्टर किसको डिफाइन करता है, एग्जैक्ट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करता है। इसकी जो वैल्यू है अलग अलग तरीके से ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको RLC दे दिया जाए तो 1/R√L/C, अगर आपको L की रिएक्टेंस दे दी जाए रेजोनेटिंग कंडीशन पर, XLR का मतलब है XL एट रेजोनेटिंग कंडीशन, तो उसका और रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। आपको पता है रेजोनेटिंग कंडीशन पे तो XL और XC इक्वल होते हैं, तो इसको XCR/R भी लिख सकते हैं। आपको पता है रेजोनेटिंग कंडीशन पे R तो Z के इक्वल होता है, तो इसको XLR/Z भी लिखा जा सकता है या XCR/Z भी लिखा जा सकता है, और दोनों तरफ I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप VLR/V भी लिख सकते हो या VCR/V भी लिख सकते हो, राइट। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के, बट आपको पावर फैक्टर जो है उसको ध्यान में रखना है, किस तरीके से पावर फैक्टर, सॉरी किस तरीके से क्वालिटी फैक्टर जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में जिसकी टर्म्स में बात कर दी जाए डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन होता हुआ नजर आएगा आपको। क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ ही रहा है, वही वाली बात कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी ही कम हो जाएगी रेजोनेंस की, यानी कि फ्लैट हो जाएगा। तो आपने देखा एक पे शार्प है, थोड़ा फ्लैट हो गया और फ्लैट हो गया, यानी कि पक्का R1 की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, फिर R2 थोड़ा सा ज्यादा और R3 सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए, राइट। पावर जो होगी नॉर्मली वोल्टेज होता है V0 sin ωt, करंट होती है I0 sin ωt+ φ। पावर का फॉर्मूला सबको ही पता है, V को I से मल्टीप्लाई कर दो, बट ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कितनी पावर है हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम पीक पावर भी निकाल सकते हैं जो कि डायरेक्ट पीक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर आएगी, बट ये भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम वर्चुअल पावर भी निकाल सकते हैं कि जो रेजोनेंस लगा हुआ है उसके ऊपर कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, तो वो VRMS × IRMS के इक्वल हो जाएगा। ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए काम की है रियल पावर कंजम्पशन कितना होगा, दैट इज VRMS × IRMS × cos φ, राइट। और cos φ जो है यानी कि रेशियो ऑफ P real/P virtual, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पिडेंस, राइट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल इंडक्टर है सर्किट में या केवल और केवल कैपेसिटर है, इन दोनों ही केसेस में आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 90 या तो आगे या पीछे, यानी कि π/2, तो पावर फैक्टर कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी उसकी वजह से कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा, इसलिए उसको कहा जाता है वॉट लेस करंट। LCR सर्किट अगर रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है तो फाइव जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा 1, और LCR सर्किट अगर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क कर रहा है तो पावर फैक्टर हो जाएगा कितना, 1/√2, क्योंकि फाई कितना हो जाता है, 45 डिग्रीज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लगे तो इन इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिवाइज करना है, बट इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर जाओगे। नहीं मानोगे मेरी बात तो मुझे आपको क्वेश्चन के जरिए प्रूव करने की जरूरत है, राइट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अ करंट इन सर्किट इज गिवन बाय I = 3+4 sin ωt, देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू, ठीक है भाई। ऐसे तो करंट चेंज हो रही है हर मोमेंट के ऊपर, हम एवरेज निकालते हैं बट एवरेज से भी कोई फायदा नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था क्या निकाला जाता है, RMS वैल्यू निकाला जाता है। तो RMS वैल्यू अपन कैसे निकालते थे, हम रूट लिया करते थे किसका, 1/T अंडर रूट इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर प्लस 3 × 4 दैट इज 12 × 2 यानी कि 24 sin ωt। इसका किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/T, ठीक है, 9 × dt प्लस इसका करेंगे तो 16 केवल और केवल इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा sin² ωt sin² ωt dt, और यहां पर 24 और केवल और केवल इंटीग्रेशन में रह जाएगा sin ωt dt, 0 से लेके t तक, राइट। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/T।
यहाँ पे तो 9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रखोगे कैपिटल t में से 0 माइनस करोगे, सिंपली कितना बच जाएगा, t बच जाएगा और 9 आपका बाहर आ ही गया था। ऐसे इधर 16, मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया था कितना होता है, t डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर 24, देखो साइन और कॉस फंक्शन क्या होते हैं, एक टाइम पीरियड में जितने ऊपर होते हैं उतने के उतने नीचे भी होते हैं, तो ओवरऑल इनकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। इसीलिए तो अपन स्क्वायर करके निकाल देते हैं एवरेज वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी टाइम्स 0। तो हम देख रहे हैं यार, हमारी तो यही दोनों चीजें ऐड हो रही है, टी से टी भी कट गया, तो ये हो गया 9, 16 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रूट 17 जो है वो क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, कर सकते हैं अपन आसानी से। ये लंबा तरीका है, ये प्रॉपर तरीका है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते थे तो हमने देखा था कि इसका स्क्वायर कर दो दैट इज 9 और इसका स्क्वायर कर दो, बट इसके अंदर क्योंकि साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड है तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तभी तो रूट 2 आया करता था आरएमएस वैल्यू के अंदर। तो इसका स्क्वायर करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे तो 8, फिर 8 और 9 को ऐड कर दो दैट इज 17 और उसका होल अंडर रूट ले लो, यानी कि रूट 17 जो है वो आपका आंसर आ जाना चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ वेरिएबल करंट I1 cos ओमेगा टी, I2 sin ओमेगा टी, ये तो हमने डायरेक्ट देखा था, इस वाली करंट का स्क्वायर कर दो, इस वाली करंट का स्क्वायर कर दो, होल अंडर रूट ले लो तो पीक वैल्यू आ जाएगी, और पीक वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दो तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये पीक वैल्यू है, ये रूट 2 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 ओम रेजिस्टर एंड 0.21 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑपरेटिंग एट 20 वोल्ट्स 50 साइकिल पर सेकंड, द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज। तो फेज एंगल के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि tan phi जो हुआ करता था वो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R के इक्वल हुआ करता था। यहाँ पे XC तो दे ही नहीं रखा, कैपेसिटर की तो बात ही नहीं कर रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, XC नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल XL और R है। XL की वैल्यू हो जाती है 2πf, ठीक है, टाइम्स L, XC तो दे ही नहीं रखा, डिवाइडेड बाय R, तो ये हो जाएगा 2π। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, 50 साइकिल पर सेकंड, वही हर्ट्ज ही है, हर्ट्ज का मतलब भी ये होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50, L हमें कितना दे रखा है 0.21 और R हमें कितना दे रखा है 12 ओम। तो इसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 चला जाएगा, और 50 टाइम्स 2 भी 100 होता है और नीचे 100 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पाई को अपन लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, नीचे 12 है और ऊपर 21 है, ये 7 से 21 3 बार और 3 से ये 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे तो 5.5 नजर आएगा, तो tan phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5.5 होनी चाहिए। अब हमें तो नहीं पता तो हम तो लिख के आ जाएंगे tan इनवर्स 5.5, बट हम देखेंगे कि यार 30 डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री के ऊपर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो ये दोनों वैल्यूज तो नहीं हो सकती, फिर बात आके अटकेगी 40 पर और 80 पर, तो 40 से एक कदम आगे 45 डिग्री एंगल, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने देखा कि यार ये 1 से तो ज्यादा है, यानी कि 40 डिग्री भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, थर्ड 80 डिग्री आंसर होना चाहिए। राइट, ऐसे क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, आपको एंगल भी मिल जाएगा, बट ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। तो ये तो हो गया आपका बल्ब और ये हो गया आपका कैपेसिटर और इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो जो कहा गया है उसको फॉलो करो। इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड वाइल कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, वोल्टेज इसका कांस्टेंट रखा जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज करा जा रहा है, तो आप देखो कि फ्रीक्वेंसी का फर्क किस पे पड़ेगा। बल्ब का मतलब तो होता है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो होती है 1/2πf(c). यहां पर आपको दिखाई देगा कि यार फ्रीक्वेंसी जब अपन बढ़ाएंगे तो xc हमें क्या होता हुआ नजर आएगा, घटता हुआ नजर आएगा, और अगर xc घटेगा तो ओवरऑल आपके सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो भी घटेगी,
और अगर इम्पीडेंस घटेगी तो आपका करंट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, और अगर करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो बल्ब विल गिव मोर इंटेंस लाइट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, राइट। देखो कि जो चीज वेरी करी जा रही है ना उस पे आखिर में डिपेंड कौन सी चीज कर रही है, और उसके साथ छेड़छाड़ करो तब आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर 1, 2, 1, 3 and 2 volt रिस्पेक्टिवली एट द इंस्टेंट टी व्हेन द सोर्स वोल्टेज इज गिवन बाय दिस द करंट इन द सर्किट विल बी। तो देखो हमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर यानी कि VR दे दिया गया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL दे दिया गया है, और कैपेसिटर यानी कि ये दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो tan phi की जो वैल्यू होती है, हमने एक फॉर्मूला देखा था VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, ठीक है। तो VL की वैल्यू है 3, ये हो गया माइनस 2 और VR है 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 5 जो होगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4। हमारा डायग्राम अगर आपको याद हो तो वोल्टेज यूं हुआ करता था और करंट अपन रेफरेंस लिया करते थे, और ये एंगल हो गया पाई बाय 4। तो अपन कहेंगे कि करंट से वोल्टेज पाई बाय 4 आगे है, और अगर इसको उल्टा बोलोगे तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि करंट वोल्टेज से पाई बाय 4 पीछे है। तो पाई बाय 4 पीछे होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन है वो कितना आ जाना चाहिए, वी नॉट डिवाइडेड बाय जो भी आपका इंपीडेंस होगा जेड, ठीक है। तो अपन इसको तो आई नॉट लिख देते हैं, तो आई नॉट कॉस कितना पीछे हो जाना चाहिए, पाई बाय 4 पीछे हो जाना चाहिए, यानी कि ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ कॉस है ना तो हर जगह कॉस ही लेना है, तब तो अपन डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अपनों ने करंट को रेफरेंस लेके सारी की सारी चीजें पढ़ी थी कि वोल्टेज आगे होगा पीछे होगा बराबर होगा, तो कई बार वोल्टेज देके करंट के बारे में पूछ लेता है, तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसी सर्किट ड्रॉज 5 एम्पियर एट 160 वोल्ट एंड द पावर कंजम्पशन इज 600 वॉट, देन पावर फैक्टर इज। तो नॉर्मली जब भी एसी सर्किट के बारे में क्वांटिटीज दी जाती है ना, तो आप ये मान के चलना कि जो रेटिंग या जो भी क्वांटिटी दी जा रही है वो आरएमएस वैल्यू है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो वर्चुअल पावर है वो तो कितनी है, सीधा सीधा आईआरएमएस कितना है 5 और वीआरएमएस कितना है 160, यानी कि 0 पावर चली जाएगी 3 800 वॉट। और आप देख रहे हो आपकी जो रियल पावर है, असली में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है वो कितना है 600 वॉट। कॉस 5 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रियल पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर, ठीक है। तो रियल दे दिया आपको 600 और वर्चुअल दे दिया आपको 800, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 0.75। तो पावर फैक्टर कितना हो जाना चाहिए अपना, 0.75 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसी सर्किट वी एंड आई आर गिवन बाय दिस एंड दिस, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, देखो ये हमें पीक वैल्यू दे रखी है, ये हमें पीक वैल्यू दे रखी है, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय रूट 2, आई आर एम एस कितना हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय रूट 2, इनफैक्ट जो फाय होगा वो कितना हो जाएगा हमारा π/3, डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फाय, कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा जो रियल पावर हुआ करता था उसकी वैल्यू किसके इक्वल हुआ करती थी, उसकी वैल्यू हुआ करती थी वी आर एम एस आई आर एम एस टाइम्स कॉस फाइव। क्या हमारे पास में सबकी वैल्यू है, वी आर एम एस कितना है 100 डिवाइडेड बाय रूट 2, आई आर एम एस कितना है 100 डिवाइडेड बाय रूट 2, और कॉस फाइव कितना है 1/2। तो देखो
ये रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, टू और टू मल्टीप्लाई होके फोर हो जाएंगे, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 वॉट, ठीक है। और 2500 वॉट को आप 2.5 किलो वॉट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर एक सेकेंड, अपनों ने यहां पे एक मिस्टेक करी है, हमें करंट जो है वो मिली एम्पियर में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको अपन मिली एम्पियर में रखेंगे तो मिली का मतलब होता है 1000 से अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अपन एक बार 1/1000 और कर देते हैं, तो 1/1000 करोगे तो अपने आप ही आपकी पावर, मेरे को लगा था ऑप्शन गलत है, अपने आप ही आपकी पावर जो है इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ठीक है। 00 से ये चला गया तो 2.5 वॉट आ जानी चाहिए, ठीक है ना। देख लेना अच्छे से, यहाँ पे मिली एम्पियर दिया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी नजरें कटा लेना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, अगर वहां पर एम्पियर दिया होता तो यहाँ पे किलो वॉट आ जाता, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एसी अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट इज गिवन बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट विल बी, देखो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, पाई बाय टू। इसका मतलब समझ जाना कि या तो आपका सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है या प्योरली इंडक्टिव है। इसका मतलब पावर फैक्टर कितना हो गया आपका, जीरो। इसका मतलब पावर कंजम्पशन भी कितना हो जाना चाहिए आपका, जीरो हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी दे रखा है, आई दे रखा है, फाइंड द वॉटलेस पावर इन वॉट, वॉटलेस पावर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम वी आर एम एस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100/√2, ठीक है। अब की बार करंट एम्पियर में ही दे रखा है तो आई आर एम एस भी आ जाएगा हमारा 100/√2, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात समझ में आ गई। फाई जो है वो कितना है, π/6, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि cos phi की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यहां तक की बात भी समझ में आ गई, यानी कि हमारी जो रियल पावर है, ठीक है, वो कितनी आ जानी चाहिए, Vrms दैट इज 100/√2, Irms दैट इज 100/√2, और टाइम्स cos phi, तो cos phi की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 दे रखी है। अब देखो आप इसको यू भी देख सकते हो, जो आपकी रियल पावर होती है ना, वो होती है वी आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस कॉस फाइ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये मान लो वी आर एम एस का फेजर है और ये आई आर एम एस का फेजर है। तो बेसिकली ये जो फाइ फेज डिफरेंस है, इधर की तरफ जो कंपोनेंट है वो कौन सा वाला कंपोनेंट होना चाहिए, आई आर एम एस कॉस फाइ होना चाहिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रियल पावर मिलती है, और जब इस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हो जो 90 डिग्री पर होगा, किससे, वी आर एम एस से, तो वो जो पावर मिलेगी वो आपको कौन सी पावर मिलेगी, वॉटलेस पावर मिलेगी। यानी कि वॉटलेस पावर अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वी आर एम एस को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई आर एम एस टाइम्स साइन फाइ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वी आर एम एस है 100/√2, आई आर एम एस है 100/√2, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये दोनों 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 100 को 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे 2500 आ जाएगा, और 2500 को लिखा जा सकता है 2.5 × 10^3 वॉट, या 2.5 किलो वॉट लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तरीका भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको कोई भी नया फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप रियल पावर निकालते, आप वर्चुअल पावर निकालते, और वर्चुअल पावर के स्क्वायर में से रियल पावर के स्क्वायर को माइनस करते, तो फिर आपको क्या मिल जाती, वॉटलेस पावर मिल जाती, वेक्टर्स वाला काम करते, ठीक है ना। खैर आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आपको वॉटलेस करंट के बारे में एक और चीज पता चल गई, कि जो करंट का वोल्टेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉटलेस करंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट सर्किट विथ एन इंडक्टर एल, ठीक है, ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर सी इन सीरीज प्रोड्यूसेस ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमें पता है ये फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 1/2 πRLC के इक्वल हो जानी चाहिए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
इफ एल इज डबल्ड एंड सी इज चेंज टू 4c, देन फ्रीक्वेंसी विल बी, कर दो f डैश हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, एल को तो आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2l कर दिया, एंड c इज चेंज टू 4c, इसको आपने क्या कर दिया, 4 टाइम्स c कर दिया। तो आप देखोगे 2 into 4 8, 8 का रूट लोगे तो 2 रूट 2 ये बाहर आ जाएगा और बाकी आपको वापस से वही चीज मिल जाएगी 2 पाई रूट एल सी, ये जाना पहचाना चेहरा है, तो एफ डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 ये आपकी नई रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी हो जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अक्सर नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अ कॉयल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, यानी कि आपको आर तो दे दिया गया है 8 ओम और XL दे दिया गया है आपको 31 ओम। ध्यान रखना रिएक्टेंस हो या इंपीडेंस हो, दोनों की ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होती है यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC भी आपको दे दिया गया है 25 ओम। सारे पत्ते खोले जा रहे हैं, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, तो V आपको दे दिया गया 110 वोल्ट। The power factor of the circuit is, अब power factor जो हुआ करता था वो cos phi के equal हुआ करता था और tan phi का formula हमें पता है किसके equal होता है, tan phi होता है XL minus XC divided by R। क्या हमें XL पता है 31, क्या हमें XC पता है 25, क्या हमें R पता है 8, 31 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा 6 divided by 8, that is 3 divided by 4, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये अगर 5 है तो ये तो 3 बन रहा है और ये 4 बन रहा है, ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो cos 5 की वैल्यू इस ट्रायंगल से कितनी निकल के आ रही है 4 by 5 निकल के आ रही है, आ रही नहीं आ रही, और 4 by 5 को आप लिख सकते हो 0.8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट्स ईच, ध्यान दो इसके ऊपर भी 300 वोल्ट है और इसके ऊपर भी 300 वोल्ट है, ठीक है, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 एंड एमीटर A इज रिस्पेक्टिवली, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको छुपे हुए तरीके से बता दिया गया है कि L के अक्रॉस वोल्टेज और C के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, याद करो ये कौन सी कंडीशन में हुआ करता था, जब आपका सर्किट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क करता था और रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है वो यू की यू किसके पास चला जाता है, रेजिस्टेंस के पास चला जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस की लड़ाई में खत्म हो जाती है, तो हमारा वोल्टेज तो 220 होगा, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। रेजोनेटिंग कंडीशन में आपकी जो इम्पीडेंस है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाती है, आर के इक्वल, तो करंट जो है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन आर, वी आपको दे रखा है 220 और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100, जीरो से जीरो गया, इसको निकालोगे तो 2.2 एम्पीयर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इंडीड क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम ये जो एमिटर और वोल्टमीटर यूज करते हैं ना अल्टरनेटिंग कंडीशन में, इनका प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होता है, जो हमने मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर और उससे वोल्टमीटर एमिटर बनाए थे वहां पे तो हम डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन जनरेट किया करते थे, बट यहाँ पे तो करंट को अगर आप मेजर करने जाओगे तो करंट तो कभी प्लस है कभी माइनस है, ऑन एन एवरेज डिफ्लेक्शन कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज किया जाता है, हीटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है उसको, और उसके अंदर जो स्केल है ना वो करंट के नहीं करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्केल जो होता है ना वो आपका लॉगरिथमिक स्केल होगा, एक्सपोनेंशियल स्केल होगा, राइट, उनके बीच का जो गैप है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा। आई होप आपने देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो इतना सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द RMS वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन फिगर इज, तो हमें एक टाइम पीरियड के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है किसका, हमारे वोल्टेज का। तो देखो RMS वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय टी इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक किसका, वोल्टेज का, उसके भी स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने। अब यहां पर दो वैल्यू आ रही है, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे अपन। वन अपॉन टी, पहला हिस्सा जो है वहां पे अपन जा रहे हैं जीरो से लेकर टी बाय टू तक। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपका वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, वी नॉट है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डी टी। और दूसरे हिस्से में हमारा जो वोल्टेज है वो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा, उसको डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, और जीरो को लिखने की जरूरत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा वी नॉट स्क्वायर तो आ गया बाहर, डिवाइडेड बी बाय टी पहले से बैठा था, और डी टी का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा टी, और लिमिट्स रखोगे हायर में से लोअर लिमिट रखोगे तो टी बाय टू में से जीरो को माइनस करोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा टी बाय टू आ जाएगा। टी से टी चला गया, अगेन आप रूट लोगे तो वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, ये आपको इसकी वैल्यू आपकी भी नजर आएगी, ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आप तुक्के से कि फॉर्मूला भी रट लेते कि यार आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल होती है तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट ध्यान रखना है किस्मत की बात है। नॉर्मली आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ दिए जा सकते हैं और आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, इसलिए मैं हर जगह प्रॉपर मेथड बता रहा हूं आपको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एल सी एंड एन ए सी वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज एल सी आर सर्किट हो गया, व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज पाई बाय थ्री, यानी कि टेन पाई बाय थ्री किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एक्स सी डिवाइडेड बाई आर के इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सएल हटा लिया, नेगेटिव साइन भी एक बार के लिए हटा लो। राइट, इफ इंस्टीड सी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाय थ्री, तो एक तरफ प्लस पाई बाय थ्री होगा और एक तरफ माइनस पाई बाय थ्री होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल हो जाएगा। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, अब ध्यान दो पावर फैक्टर निकालना है, तो एक तरफ आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो और एक तरफ आप नेगेटिव साइड में जा रहे हो, बट आप सेम एंगल से मूव कर रहे हो, मतलब जो टेन पाई बाय थ्री की वैल्यू है यहां पर जैसे माइनस एक्स ये पोन आ जाएगी, यहां पर रख लो माइनस रख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका आ जाएगा एक्सएल डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को इक्वल रखोगे तो एक्स सी डिवाइडेड बाय आर किसके इक्वल दिखाई देगा आपको, एक्स एल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल दिखाई देगा। मैग्नीट्यूड लेना है आप लोगों को, राइट, क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ एंगल पॉजिटिव साइड में होगा एक तरफ एंगल नेगेटिव साइड में होगा, तो इसको छोड़ ही दो, कंफ्यूज करेगा ही वरना आपको। राइट, बात मुद्दे की यहां से निकल के आ रही है कि आर से आर कट जाएगा और एक्स सी और एक्सएल आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जब एक्सएल और एक्स सी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो सर्किट होता है रेजोनेटिंग कंडीशन पर, और अगर सर्किट रेजोनेटिंग कंडीशन पर है तो आपका पावर फैक्टर यानी कि फाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और अगर फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाना चाहिए। तो घुमा के आपको बताया गया है कि भाई साहब ये रेजोनेटिंग कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब एक्सएल बड़ा होगा तो वोल्टेज आगे होगा यानी कि प्लस पाई बाय थ्री, जब एक्स सी बड़ा होगा मतलब एक्स सी ही होगा केवल और केवल सर्किट में तो वोल्टेज पीछे होगा, दैट इज माइनस पाई बाय थ्री, दैट्स इट, इतना सही करना है आपको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A coil of self inductance L is connected in series with a bulb B and an AC source. The brightness of bulb decreases when. तो आपने ऐसी एक inducting coil यहाँ पे लगा दी किसके साथ, एक बल्ब के साथ, बल्ब का मतलब तो होता है रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका इंडक्टर, और इसको एक alternating source से आपने कनेक्ट कर दिया। अब जो जो चीजें कही गई है ना उनका असर किस किस के ऊपर पड़ सकता है, सबसे पहला क्या कर रहा है, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉयल, इसके अंदर एक आयरन रॉड डाली जा रही है, पहले वैक्यूम था अब आयरन रॉड डाली जा रही है। अब आयरन रॉड डालने से आप सोचोगे यार किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो आपको एल का फॉर्मूला याद आएगा, चमकेगा कि एल का फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एल, कल ही करा है अपनों ने, राइट, याद होना चाहिए आपको। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन रॉड डाल रहे हो यानी कि आप एल को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, L को इंक्रीज कर रहे हो यानी कि XL भी क्या हो रहा है, फ्री फोकट में इंक्रीज हो रहा है, और अगर XL फ्री फोकट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल इंपीडेंस भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और अगर ओवरऑल इंपीडेंस इंक्रीज हो रही है तो आपकी ओवरऑल करंट डिक्रीज होनी चाहिए, और अगर ओवरऑल करंट डिक्रीज होनी चाहिए तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट होगा हमारा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो एक्सएल भी डिक्रीज हो जाएगा, एक्सएल डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगी, और ओवरऑल इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, और करंट इंक्रीज हो जाएगी तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जानी चाहिए, यानी कि हमारा डिक्रीज होने वाला कंडीशन तो मैच नहीं करेगा, जस्ट उल्टा कंडीशन है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल इज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क पड़ेगा एल पर, बट एल एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर एन घटाओगे तो एल घटेगा, एल घटेगा तो एक्सएल घटेगा, एक्सएल घटेगा तो जेड घटेगा, जेड घटेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, जबकि कहा गया डिक्रीज होनी चाहिए। अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू XL इज इंड्यूस्ड इन दिस इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम सर्किट, अगर आप XC और कनेक्ट कर दोगे तो अगेन आपकी जो इंपीडेंस है, पहले इंपीडेंस हुआ करती थी सिंपली XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल अंडर रूट के, अब जब आप XL माइनस XC को जीरो कर दोगे तो Z सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, यानी कि आपकी इंपीडेंस कम हो गई, इंपीडेंस कम हो गई इसका मतलब करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई मतलब इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। तो चारों ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चार अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसको अच्छे से एक और बार सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस आर ड्रॉज पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, पावर पी है तो ऑब्वियसली करंट के स्क्वायर टाइम्स आर के इक्वल हो जानी चाहिए, या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल हो जानी चाहिए। If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be. अब ध्यान देना, यहां पर जो अपन वैल्यू लेते हैं ना, इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं, यानी कि आइदर आई आर एम एस लिखते हैं या वी आर एम एस लिखते हैं, ठीक है, यहां तक की बात तो पता पड़ गई हमें, तो ये तो हमारी पी वन थी, या पी कह रखा है तो पी लिख लिया हमने इसको, राइट। अब आपने क्या करा है, एन इंडक्शन इज नाउ placed in series with the resistance. तो resistance के साथ जैसे inductance रखोगे तो अब आपकी जो overall impedance है वो कितनी हो जाएगी, Z हो जाएगी. Then power drawn will be. तो उस condition में जो power draw करी जाएगी, तो उस condition में जो P dash की value आएगी वो कितनी हो जाएगी, I R M S whole square times Z. I R M S square जो है उसकी value अगर आप लिखोगे तो किसके इक्वल आ रही है, P अपॉन R के इक्वल आ रही है, तो P डैश की वैल्यू हो जानी चाहिए P अपॉन R टाइम्स Z, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, P टाइम्स R अपॉन Z, ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आप रियल पावर की बात करते हो तो रियल पावर किसके इक्वल होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस टाइम्स कॉस फाई, ये वी आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस तब है पावर जब आप केवल और केवल क्या कनेक्ट कर रखे हो, रेजिस्टेंस, तो ये तो पी के इक्वल हो गई, और कॉस फाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर अपॉन जेड के इक्वल होता है, मैंने एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बताया था आपको कॉस फाई के लिए, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर टू दोनों तरीके से क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, तो बेटर ट्यूनिंग का मतलब है जिसका क्वालिटी फैक्टर बहुत बेटर हो, और क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे बढ़िया होगा, वो सबसे बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा, तो सबसे कम फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज एन LCR सर्किट नेटवर्क कनेक्टेड टू 300 वोल्ट एसी सप्लाई, द सर्किट एलिमेंट्स आर सच दैट आर इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो ये होते ही समझ जाना कि ये किसके ऊपर काम कर रहा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। वी वन वी टू एंड वी थ्री आर थ्री एसी वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट ऑफ रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर, तो दो चीजें होगी क्योंकि ये रेजोनेटिंग सर्किट के ऊपर वर्क कर रहा है, इसका मतलब है ये जो सप्लाई आपने दी है ये सीधी सीधी कहां पर चली जानी चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर चली जानी चाहिए। तो पहले तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज देखो, V1 का मतलब है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 300, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बाकी दो तो वैसे ही कट गए। फिर क्योंकि रेजोनेटिंग कंडीशन पर है तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल, तो यहां पे देखो 100 इक्वल दे रखा है और 300 इक्वल दे रखा है, यानी कि दोनों ऑप्शन ही दोनों ही कैंडिडेट है हमारे लिए, तो फिर डिसाइड करा जाएगा करंट के द्वारा। अब आप देखोगे करंट तो तीनों में सेम है और इसकी रेजिस्टेंस इसका
रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस वो भी सेम है आपस में, तो अगर रिएक्टेंस सेम है और करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा और इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब ये भी 300 वोल्ट हो जाना चाहिए और ये भी 300 वोल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि इसके अंदर गच्चा खा जाते हैं। एज गिवन इन फिगर अ सीरीज सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 30 ओम, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर 44 ओम एंड अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 90 ओम, ठीक है। अब इस कॉयल के साथ एक रेजिस्टेंस भी है, कॉयल के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है जिसका रेजिस्टेंस 36 ओम है ये, राइट, वॉट नहीं है। द पावर डिसिपेटेड इन द कॉयल इज, तो पावर तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वी आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, कॉस वाई की वैल्यू निकालनी है, सारी चीजें हम कर लेंगे। चलो तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्स सी दे रखा है हमें, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, एक्सएल दे रखा है तो हम जेड निकालेंगे, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर का स्क्वायर, दैट इज 44 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 44 प्लस 36 टोटल रेजिस्टेंस ले लो, 44 प्लस 36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 44 में 6 ऐड करोगे तो 50 और 30 ऐड करोगे तो 80 का स्क्वायर, ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि 60 का होल स्क्वायर, 80 और 60 के होल स्क्वायर पे ऐड करोगे तो फाइनली आंसर कितना आता है आपका, 100 आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट, आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 100, इसका मतलब जो करंट है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 200 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 2 एम्पियर आपकी करंट आ जानी चाहिए। फाई की वैल्यू, तो टेन फाई कितना आएगा आपका, XL माइनस XC, 90 में से 30 गया तो कितना बचा, 60, राइट, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस कितना है आपका 80, 0 से 0 गया 3/4, मैंने ट्रायंगल बना के बताया था, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो cos 5 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जानी चाहिए। तो हमारी जो पावर होती है वो होती है वी आर एम एस आई आर एम एस टाइम्स cos 5, जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दी जाती है ना, जब तक नहीं कहा जाए तब तक आरएमएस ही लेना है, तो वी आरएमएस कितना है हमारा, 200 वोल्ट, करंट हमने कितनी निकाली थी, 2 एम्पियर, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, 4/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 बार, ये हो जाएगा 40 × 4 यानी कि 160 × 2 करेंगे तो 320 वॉट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के अंदर हमने एसी के अंदर गोल 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 घूमने की कोशिश करी है, मतलब हमने कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ा जिसके ऊपर क्वेश्चंस ना सॉल्व किए गए हों, और बिलीव मी मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में भी कि ये जो चैप्टर है ये आसान होने के साथ साथ हाईली प्रिडिक्टिव है, मतलब ये जो 15-20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं लगभग इन्हीं में से या इन्हीं तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मिलेगा, और इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार 1, 2 या 3 क्वेश्चंस तक भी इस चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में एटलीस्ट जो 4 नंबर है वो 100% इंश्योर हो चुके हैं, कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर से हो सकता है मिल जाए। आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज, और जिनके पास में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की मोस्ट वांटेड बुक्स पहुंच चुकी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप बताओ लोगों को इसके बारे में, आपको जैसी भी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी है तो वो बात हम तक भी पहुंचाओ, कमेंट करो वीडियोस के ऊपर, राइट, और रिव्यूज़ डालो, राइट, ताकि अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसके बारे में सबको पता चल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।